गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेहा आनंद ब्लॉग पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ सो के। तो अब मैं फटाफट नीचे जाऊँगी, काम करूँगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज मुझे जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि मुझे कहीं जाना है आज बाहर। तो आप भी मेरे साथ चलेंगे, तब तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नहा के मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, सारा काम मैंने कर लिया है। अब जाके हम नीचे बनाएंगे कुछ नाश्ता और ले जाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाना, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने नए घर। तो वे भी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ बन चुकी है आलू की सब्जी और इधर मैंने पूड़ी के लिए आटा जो है वो सान लिया था और लोई बना के रख ली है। तो फटाफट सब्जी के बाद मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो इधर सब्जी होने के बाद मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया है पूड़ी, तो फटाफट बनाएंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं और बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम लोग इलाहाबाद। तो इधर बैठी हूँ मैं और आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। अभी तो यहाँ हर जगह पता नहीं क्यों झंडा लगा हुआ है, झंडे से सजाया गया है, देख सकते हैं सब लोग। और अगल बगल धान लगा हुआ है। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं इलाहाबाद में और ये है इलाहाबाद और फाफामऊ के बीच का पुल। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ जो है वो गंगा जी हैं और हम लोग अब इस जा रहे हैं इलाहाबाद। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे जा रही है ढेर सारी भैंस, बहुत सारी हैं। और ये है इलाहाबाद की गली जहाँ पे ढेर सारी भैंस दिख रही हैं आपको, सब अपने घर जा रही हैं। और पीछे बैठे हैं ये, अरे हाय बोल दीजिए। तो अब हम लोगों को लग गई है जोरों की भूख, हम सोच रहे हैं कि अब क्या खाया जाए। तो हमें यहाँ पे दिख गया है देसी घी के डोसे, तो हम खाने वाले हैं देसी घी का बना हुआ डोसा। तो आपको भी लेकर चल के दिखाते हैं, यहाँ का बहुत फेमस है देसी घी का डोसा। तो यहाँ पे अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कितनी देर लगेगा डोसा बनने में। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तब हम लोगों को लग गई थी भूख और हम लोग पहुंच गए हैं जैस वाला डोसा कॉर्नर, जहाँ पे मिलता है देसी घी का बना हुआ डोसा। तो हम लोग अब पहले डोसा खाएंगे। ये है इनका मेन्यू, तो ये प्रयागराज में है, आप अगर कभी आए तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है इनका डोसा। तो देख सकते हैं मेन्यू में आप क्या क्या है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, अगर आप पीना चाहें तो आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। चीज मसाला जो है एक मसाला डोसा, क्या वो अलग है? अच्छा ये नहीं नहीं डोसा में कुछ नहीं रहेगा, रहेगा चीज मसाला। यहाँ आ चुका है देसी घी का बना डोसा और हम लोग खाने जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, हम लोग फटाफट से इसको खाएंगे। चट हो चुकी है, हम लोग बिल करके तुरंत यहाँ से निकलेंगे। तो डोसा बहुत टेस्टी था, अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पे प्रयागराज में तो आप यहाँ पे डोसा जरूर खाइएगा। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ढेर सारी पेस्ट्री, डोनट्स और केक भी हैं, तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा है रेड फॉरेस्ट केक। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम आ गए हैं अपने घर। तो
तो घर मैं आपको कल दिखाऊंगी। और अब हम मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, और उसके बाद मिलेंगे हम कल नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।